गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी के बाएं हाथ की फोरआर्म की दोनों हड्डियों का आर्थोसर्जन डॉक्टर राकेश ने ऑपरेशन किया। हमले के दौरान आरोपी मुर्तजा की दोनों हड्डियां टूट गई थी। दरअसल पुलिस मंगलवार को मुर्तजा को लेकर जिला अस्पताल पहुंची थी। उसे प्राइवेट वार्ड नंबर 8 में भर्ती करवाया गया था। भर्ती होने की औपचारिकता पूरी होने के बाद उसके बाएं हाथ का एक्सरे करवाया गया और ब्लड जांच भी की गई। हीमोग्लोबिन, मधुमेह, रक्तचाप, किडनी, लिवर, हार्ट, हेपेटाइटिस और HIV की रिपोर्ट सामान्य आने के बाद ऑपरेशन किया गया जो लगभग सवा घंटे तक चला। उसके हाथ में 2 इम्प्लांट लगाए गए जिसे स्वास्थ्य विभाग ने उपलब्ध करवाया था। इस दौरान चिकित्सा अधीक्षक और ऑर्थोसर्जन डॉक्टर अंबुज भी मौजूद रहे। हालांकि ऑपरेशन के दौरान किसी को ओटी के आसपास भी नहीं जाने दिया। ऑपरेशन के बाद मुर्तजा को प्राइवेट वार्ड नंबर में ही रखा गया था जहां उसकी तबीयत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। गोरखनाथ हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी को आज इसी जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था। उसके हाथ फ्रैक्चर हो गया था। सुबह से उसका ऑपरेशन चल रहा है। इस समय डॉक्टरों की टीम मेरे साथ मौजूद है और आइए हम जानते हैं कि उसका इलाज कितना देर हुआ और कौन सी टीम की। डॉक्टर साहब, आज इलाज मुर्तजा अब्बासी का हुआ है, कितना देर चला ऑपरेशन उनका? भैया, 1 से 1.25 घंटे करीब ऑपरेशन चला है जिसमें उसके बाएं हाथ की दोनों हड्डियां टूटी हुई थी, उसी में आज ऑपरेशन करके रॉड डाली गई है। दोनों हड्डियों में कितना देर चला है? 1 से 1.25 घंटे करीब ऑपरेशन हुआ है। अभी क्या उनके लिए कहा गया है? पेशेंट ठीक है, बिल्कुल पोस्ट ऑफ केयर में, जैसे बेहोशी वालों ने अपने सामने रखा है, 1-2 घंटा वॉच करते हैं, उसके बाद वो वार्ड में शिफ्ट हो जाएगा। वार्ड में फिर अपना रूटीन, जैसे इंस्ट्रक्शन है BSP पे लिखे हुए, उस हिसाब से फिर हमारा स्टाफ जो है उसको देखेगा। तो कोई मतलब हाथ में हड्डी क्या कोई फ्रैक्चर हुई थी क्या? दोनों हड्डियाँ टूटी हुई लगी हुई है, रॉड पड़ा है क्या? रॉड पड़ा है उसमें, बाएं हाथ की दोनों हड्डियां टूटी थी जिसमें रॉड पड़ा है। आज ऑपरेशन करके रॉड डाली गई है। डॉक्टर राकेश हैं, इन्होंने ही जो है ऑपरेशन किया है उसका। कितना देर चला है डॉक्टर साहब वो ऑपरेशन? लगभग 1 से 1.25 घंटा तक ऑपरेशन हुआ है। जी, क्या क्या मतलब हुआ ऑपरेशन में, मतलब क्या स्थिति है उसकी इस समय? क्योंकि ऑपरेशन पहले से प्लास्टर लगा हुआ था ताकि उसकी स्वेलिंग वगैरह खत्म हो जाए, और आज उनको ऑपरेशन के लिए सलाह दी गई थी, तो वो कल आए थे और उनकी सारी जांच वगैरह हुई हैं। जांच सामान्य है, जो सामान्य थी, और अभी आज उनको 10 बजे लगभग ओटी में ले जाके ऑपरेट किया गया। तो कब तक उसको अभी रखा जाएगा यहाँ पे, या आगे क्या प्रोसीजर होगी? अभी लगभग अंडर ऑब्जर्वेशन, अभी 1-2 घंटे एनेस्थीसिया वाले रखेंगे, उसके बाद वार्ड में शिफ्ट करेंगे। फुल जो उसका जो राउंड वगैरह है, इवनिंग राउंड जो होगा उसमें फिर देखा जाएगा, और हम अंडर मॉनिटर पर रहेंगे। ऑपरेशन के समय क्या नॉर्मल था या कुछ ऐसी स्थिति थी या कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ मतलब वो करेगा, जैसे कि लखनऊ में उसने जो है हाथ मार दिया था पुलिस के ऊपर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, बस वो अपने हड्डियों को लेकर परेशान था, पूछ रहा था कि इसमें क्या होना है, कैसे ऑपरेशन होगा, क्या पड़ेगा, उसको दर्द था थोड़ा, तो इसलिए ऐसा कुछ और बात हमसे नहीं। तो आपने देखा कि डॉक्टर ने बताया कि यहाँ पे पूरी तरीके से उसका ऑपरेशन सफल हुआ है, लगभग 1.25 घंटे ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के दौरान उसकी स्थिति सामान्य थी। सुभाष गुप्ता, जनता TV, गोरखपुर।